दोस्तों, ऐसे तो इस दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब और खतरनाक सांप बसे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको उन पांच सांपों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। नंबर वन, रेड मिल्क स्नेक। ये सांप नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लगभग हर एक हिस्से में पाए जाते हैं और इन सांपों की अधिकतम लंबाई 5 फीट तक हो सकती है, लेकिन इस प्रजाति के सांप काफी छोटा हुआ करते हैं और ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। इन सांपों को मिल्क स्नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये सांप रात में सोते हुए गाय का दूध पीते हैं, लेकिन रिसर्च के बाद ये बात गलत साबित हुई। नंबर टू, ब्राजीलियन रेनबो स्नेक। दोस्तों, ये प्रकृति के सबसे सुंदर सांपों में से एक है। इन सांपों का स्किन रेडियस ब्राउन कलर का होता है और इसके ऊपर बड़े बड़े ब्लैक कलर के रिंग्स बने होते हैं जो इनके बॉडी पर आसानी से नजर आते हैं। इनके स्किन पर बनी लकीरें सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे इनका स्किन रेनबो की तरह रंग बिरंगे नजर आते हैं और इसलिए इन्हें रेनबो स्नेक कहा जाता है। नंबर थ्री, एल्बिनो बॉल पाइथन। दोस्तों, ये सांप बेहद ही खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि इनके शरीर पर पीले और सफेद रंग की धारियां बनी होती हैं। और दोस्तों, यही नहीं, इनके खूबसूरत शरीर को इस सांप की लाल लाल आंखें इस सांप को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है और यही कारण है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पालने वाला सांप है और ये सांप 3 से 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। नंबर फोर, इमरेल्ड ट्री बोआ। दोस्तों, ये सांप दिखने में काफी सुंदर होते हैं और ये आमतौर पर 6 फीट लंबे होते हैं। ये सांप मूल रूप से साउथ अमेरिका में दिखने को मिलते हैं और ये सांप एक बार खाना खाने के बाद कई महीनों तक बिना खाए भी रह सकता है और ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। इनकी आंखें पीले रंग की होती हैं और हरे शरीर पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। नंबर फाइव, गार्टर स्नेक। दोस्तों, इस प्रजाति के सांप नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही आम है और वहाँ काफी लोग इन सांपों को अपने घर में पालते हैं क्योंकि ये सब दिखने में काफी सुंदर होने के साथ साथ बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। हालांकि इनके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिक जहर भी होता है, लेकिन ये जहर इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।